पंचक क्या है, क्यों लगता है, क्या होता है असर? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है, जिन्हें पंचक कहा जाता है। प्रत्येक माह का पंचक अलग होता है, तो किसी माह में शुभ कार्य नहीं किया जाता तो किसी माह में किया जाता है। इस बार 28 सितंबर 2020 सोमवार से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रारंभ हो रहे पंचक का नाम राज पंचक है। आइए जानते हैं पंचक क्या है और क्यों लगता है एवं इसका प्रभाव क्या होता है। पंचक क्या है और क्यों लगता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और सतविशा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है, अर्थात पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा सतविशा उत्तरा भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। पंचक के नक्षत्रों का प्रभाव: अग्नि चौर्भय रोगो राजपीड़ा धन क्षति संग्रह तृण काष्ठाना कृते वसवादी पंचके, अर्थात पंचक में तिनकों और काष्ठों के संग्रह से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय एवं धन हानि संभव है। धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। शतभिक्षा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है। रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना रहती है। नहीं करते हैं ये कार्य: लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना, शव जलाना, पलंग या चारपाई बनवाना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, अन्य कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य। मान्यता अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक जन्म से घर में आदि 5 बच्चों का जन्म तथा किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लोगों की मृत्यु होती है। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुण पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने धर्मकथाएं.com के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।